नमस्कार, आप देख रहे हैं पल पल। बेमौसमी बरसात और ओलावृष्टि से खराब हुई फसलों के मुआवजे की मांग को लेकर रतिया इलाके के किसान प्रशासन अधिकारी से मिले। किसानों ने तहसीलदार के जरिए मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा। किसानों का कहना था कि इलाके में बेमौसमी बरसात और भारी ओलावृष्टि ने उनकी फसलों को तबाह कर दिया है, जिससे उन्हें भारी आर्थिक नुकसान हुआ है। किसानों ने कहा कि बीमा कंपनियों एक और जहां उनके खातों में प्रीमियम राशि काटने में जरा भी वक्त नहीं लगाती, अब मुआवजे की टाइम आया है तो अभी तक उन्हें मुआवजा नहीं दिया गया। यहां तक कि कोई भी प्रशासनिक अधिकारी उनके खेतों में गिरावदारी करने नहीं पहुंचा, जिससे इलाके के किसानों में भारी रोष है। उन्होंने कहा कि आज जो ज्ञापन तहसीलदार को सौंपा गया है, अगर इस पर भी कोई कार्रवाई नहीं होती तो 19 मार्च को किसान उपायुक्त से मिलेंगे। अगर फिर भी इनकी समस्या हल नहीं होती तो उसी दिन ही प्रदेश सत्य आंदोलन की घोषणा कर दी जाएगी। और इसी के साथ देखते रहिए पल पल की ये विशेष रिपोर्ट। समिति ने आपको ज्ञापन दिया, किसके नाम है, क्या मामला है? आज ये किसान संघर्ष समिति रतिया ने हमारे को एक ज्ञापन दिया है। इसके अंदर इनकी कुछ मांगे हैं, जैसे इनकी ओलावृष्टि में जो खराब हुई है फसल, उसके बारे में इन्होंने कहा है कि गिरदावरी स्पेशल करा के उसका मुआवजा दिया जाए। तो और इनकी एक मांग है कि जितने भी किसानों का कर्जा है उसकी वसूली पर रोक लगाई जाए। एक इनकी मांग है कि किसानों की जो फसल की खरीद है सभी खर्चे जोड़कर 1.5 गुना भाव पर की जाए। एक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में इन्होंने कुछ कहा है कि हमारे को उसके अंदर जो है बैंक वाले कॉपरेट नहीं कर रहे, तो इनको मैंने ये कहा है कि जो बैंक वाले कॉपरेट नहीं कर रहे उनके बारे में हमारे को लिखित में शिकायत दें ताकि हम उनको बुला के अब ये ज्ञापन काम भेज दिया जाएगा। ये ज्ञापन अभी SDM साहब के मार्फत और जो है DC साहब के मार्फत माननीय हमारे मुख्यमंत्री महोदय के पास। ये मांग पत्र किसान संघर्ष समिति तहसील कमेटी रतिया की तरफ से हम दे रहे हैं। हमारे इलाके के अंदर बारिश और ओलावृष्टि के कारण फसलें तबाह हो चुकी हैं। ना तो सरकार का कोई नुमाइंदा किसानों की सुध लेने पहुंचा और ना ही बीमा कंपनी वाले पहुंच रहे हैं, क्योंकि बीमा पहले ही काट चुकी हैं कंपनियां बैंकों से। पराली के वक्त जब धान की पराली थी तब DC भी यहाँ का खेतों में घूमता था। आज एक छोटा सा भी कर्मचारी, मान लो यहाँ का पटवारी भी, मान लो किसान के पास नहीं पहुंचा भी इतना नुकसान हुआ है। मतलब इसका मतलब ये साफ नज़र आ रहा है सरकार किसानों के प्रति ध्यान नहीं दे रही और वो मुआवजा देने के पक्ष में नहीं है। आज हम मुआवजे की मांग के लिए आए हैं। यदि हमें मुआवजा नहीं दिया जाएगा, इस बार किसान फतेहाबाद का, मैं किसानों की बात करूँगा, इस बार बड़ा आंदोलन फतेहाबाद का किसान करेगा। 19 को हम DC को मिलेंगे और DC ने हमारी बात ठीक ढंग से ना सुनी, सरकार ने ना सुनी, तो 19 को ही अगले आंदोलन की घोषणा कर दी जाएगी। हज़ारों लोग इससे मतलब ओलावृष्टि के कारण प्रभावित हुए हैं, जिनका नुकसान हुआ है, फसलें तबाह हो चुकी हैं और किसान काफ़ी परेशान है। 19 की जो हमारी DC से बातचीत होगी, यदि हमारी बातचीत सरकार ने ठीक ढंग से ना सुनी तो 19 को अगले आंदोलन की हम फतेहाबाद घोषणा करेंगे। जब तक मुआवजा नहीं मिलेगा, हर हाल में मुआवजा लेकर रहेंगे। इस बार इतना बड़ा आंदोलन फतेहाबाद के किसान लड़ेंगे। किसानों के उत्ते जिहड़ा पिछले दिन परमात्मा ने जुल्म किया, असीं दिखांगे, क्योंकि गड़ियां की मार पई, मीह की मार पई, उन्हां फसलां कणक खराब हुई, उसके संबंध में सरकार नूं सूचित कर रहे हैं कि किसान बहुत ज़्यादा दुखी है, उन्हें तुसीं मुआवजा दिओ, क्योंकि किसान अगे खुदकुशियां दे राह ते पिया होया है। इस वास्ते इन्हां होर की कीता, ट्यूबवैलां दे पैसे भरा ले, ट्यूबवैलां दे सारा कुछ कर लिया, 2-2 साल हो गए उहदा ब्याज खाई जांदा बिजली बोर्ड, पर वो कनैक्शन नहीं दे रहे, क्योंकि तंग कर रहे किसान, किसी ना किसी वजह करके किसान तंग किया जा रहा। इस विरुद्ध असी अज इतने SDM साहब देने आए थे, मैं SDM साहब मिले, तहसीलदार दे के जावे और 19 तरीक न DC साहब मिला दूँ। इस संबंध में अगर कोई कार्रवाई नहीं करते तो असी अगले सख्त एक्शन लैन मजबूर होवे। कि नाम है? बल्कि सिंह रंधावा।